बच्चों को कुछ एडवाइस देंगे। आइए बताइए। ये एक ऐसी भर्ती है, ये बोलते हैं ना कि शादी के लड्डू को जो खाए वो पछताए, ना खाए तो पछताए, ये भर्ती वही है। ये भर्ती मैं कवर कर रहा हूँ लास्ट 3 साल से 2 साल से। तो मुझे जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहें और नई नई अपडेट लेते रहें। चलिए बात करते हैं, आज हम एक नई वीडियो के साथ आई हूँ मैं आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू भर्ती है 2023 की। तो इसमें जो टोटल पोस्ट रहेंगी, इसमें टोटल पोस्ट आपकी रहेंगी 10,000 से 12,000 लमसम। अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, अप्लाई डेट की बात कर लूँ तो वो अप्रैल रहेगी, नोटिफिकेशन अप्रैल में आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा नोटिफिकेशन। जैसे कि मैंने एक अखबार की कटिंग देखी थी कि उसमें बताया गया था कि आरपीएफ मतलब रेलवे में जो फौज हैं पद खाली हैं वो 3 लाख पद खाली हैं। अभी फ़िलहाल 1.5 लाख पद भरे जाने हैं, 3 लाख पद खाली हैं, 1.5 लाख भरे जाने हैं, जिसमें से 10 से 12 हज़ार के लमसम आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती आएगी। जी हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका काम क्या होता है, जो रेलवे में मतलब जो भी रेलवे में घटना होगी, दुर्घटना होगी, वो सब आरपीएफ देखेगी। ये रेलवे का ट्रैक का लोहा चोरी करना या रेलवे में चेन स्नैचिंग वगैरह, सारे जो भी कार्रवाई होगी वो आरपीएफ करेगी। अब बात कर लेते हैं फीस की। अप्लाई डेट आपको अप्रैल में जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, दोबारा जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको ये वीडियो एक और बना दूंगी। अभी इसलिए बना रहा है कि आप इस भर्ती को भूलें ना, आप अपडेट रहें। जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो 100% आपको एक वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो नोटिफिकेशन आने के वेट कर सकें आप, कि अप्रैल तक आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फीस की। फीस इसकी क्या रहेगी, जनरल और ओबीसी की रहेगी 500 और एससी एसटी पीएच और फीमेल की रहेगी 250। फीस की ज़्यादा टेंशन मत लेना, रेलवे आधी फीस आपकी वापस कर देता है। एज की बात कर ले, एज रहेगी 18 से 25 साल। एज रहेगी 18 से 25। इसमें एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन जो एसएससी जीडी के लिए ओवर एज हो चुके हैं। एसएससी जीडी में 18 से 23 साल होती है एज, लेकिन इसमें 18 से 25 है, तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो उसमें एसएससी जीडी में नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। और एज रिलैक्सेशन देख लें, ओबीसी का रहेगा 3 साल, एसटी का रहेगा आपका 5 साल। इस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन ज़्यादा हाईफाई क्वालिफिकेशन नहीं है, एडिशनल क्वालिफिकेशन भी कोई नहीं है, सिर्फ 10th पास होना चाहिए, 10th पास। ज़्यादा हाईफाई एडिशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं मांग रहे हैं ये, ज़्यादा हाईफाई क्वालिफिकेशन भी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10th पास होना चाहिए। जो 10th पास बच्चे हैं, बहुत अच्छा मौका है। और जो मतलब होता है ना, बच्चे बहुत लेट समझ पाते हैं वैकेंसियों के बारे में और बहुत ओवर एज हो चुके हैं एसएससी जीडी में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। देखिए, इस बुक में आपको 2350 प्लस बहुविकलीय प्रश्न मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और बेहतरीन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट इसमें बनाया हुआ है। वो सब कुछ देखिए, चैप्टर वाइज आपको दिया हुआ है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी ये बुक रहने वाली है, अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टैनो की तैयारी करते हैं तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल क्या रहेगा, तो फिजिकल में हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये 5 स्टेप्स रहेंगी। हाइट कितनी रहेगी मेल की, 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। चेस्ट 80 से 85, यहाँ नॉट एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए कोई चेस्ट एप्लीकेबल नहीं। रनिंग की बात कर लें, रनिंग देख लीजिएगा 1600 मीटर है मेल की, बता रही हूँ 5 मिनट 45 सेकंड में मेल की है, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में, तैयारी शुरू कर दीजिए आराम से। और फीमेल की रनिंग की बात कर लें, 800 मीटर रनिंग है 5 मिनट 40 सेकंड। हाई जंप की बात कर लें, मेल की हाई जंप है 4 फीट और फीमेल की हाई जंप है 3 फीट। लॉन्ग जंप
मेल की 14 फीट, फीमेल की 9 फीट। फिजिकल स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा, एक बार और बता दूं, हाइट 165 सेंटीमीटर मेल की है, 157 सेंटीमीटर फीमेल की। चेस्ट की बात कर ले, 80 से 85 है, फीमेल के लिए कोई चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। रनिंग 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड मेल के लिए है, 800 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड फीमेल की है। हाई जंप 4 फीट मेल की और फीमेल की है 3 फीट। लॉन्ग जंप 14 फीट मेल और 9 फीट फीमेल की। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस भी इसका कोई हाई फाई सिलेबस नहीं है ज़्यादा, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे, मार्क्स भी 120 होंगे, क्वेश्चन भी 120 होंगे। टाइम 90 मिनट का टाइम है, डेढ़ घंटे का टाइम है, 120 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से मैनेज कर सकते हैं। निगेटिव देख लीजिए, 1/3। निगेटिव में हर एग्ज़ाम में जब भी होती है, वो वैकेंसी में होता है, तो मैं हमेशा समझाती हूँ कि निगेटिव कैसे होगी। मान लीजिए 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, 4 में से ये सही करा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट 0, यानी कि ये तीसरा, 3 गलत होने के चक्कर में ये चौथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या है आपके? रीजनिंग, मैथ, GK GS। GK GS यानी कि जनरल अवेयरनेस भी होगा और आपका करंट अफेयर भी होगा। तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे और GK GS के 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन GK GS होगा, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए, अभी से ही अवेयर रहिए, करंट अफेयर अभी से ही पढ़ते रहिए। और बाकी थोड़ा बच्चों को कुछ एडवाइस देंगे, आइए बताइए। ये एक ऐसी भर्ती है, ये बोलते हैं ना कि शादी के लड्डू को जो खाए वो पछताए, ना खाए तो पछताए, ये भर्ती वही है। ये भर्ती मैं कवर कर रहा हूँ लास्ट 3 साल से 2 साल से, तो मुझे कवर करते करते हुए अभी तक भर्ती ये नहीं आई है। और ये हमारा एक यार उद्देश्य भी है कि अगर हम मना कर देंगे कि ये भर्ती नहीं आएगी, ये क्या होगा, तो बच्चों का मनोबल जो है वो टूट जाएगा। और हम जो है एक यूट्यूब, एज ए यूट्यूबर, आपको मार्गदर्शन ही करेंगे कि ये भर्ती आने वाली, जिससे कि आप में जो आग है ना पढ़ाई की लिखने की, वो आग खत्म ना हो, हाँ बुझ ना पाए। तो भाई ये भर्ती वही है कि लास्ट 2 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि भाई अब आएगी, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि मुझे भी पता चला है कि यार अप्रैल के आसपास ये वैकेंसी आने वाली है। तो ये सारा डाटा जो है मैडम के थ्रू यही इसलिए बनवाया है कि ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी तो है अच्छी, और वैकेंसी कब आ जाए पता नहीं चलेगा आपको, तो अपनी तैयारी करते रहिएगा कि लास्ट टाइम में आपको पता ना चले। और जितने भी यूट्यूब पे आप देख रहे हैं ना, वो यही है कि भाई अब आ जाएगा और इस टाइम आ जाएगा। मेन इसका मोटो यही होता है कि भाई इस पे व्यूज आ जाते हैं बच्चों के, मतलब यूट्यूबर वालों के, तो उनकी भी घर गृहस्थी चल रही है, बस यही है। और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते रहते हैं।